नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार और फिर से अपने नए चैनल इट्स कुकिंग टाइम विद सैंडी चेष्टा में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई पनीर, जो कि बहुत ही कॉमन, डिलीशियस और फेमस रेसिपी है। साथ साथ अगर आपको पनीर पसंद है तो ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, आप इस रेसिपी को किसी भी फंक्शन, ओकेजन और अपने घर में किसी भी टाइम बना सकते हैं। ये रेसिपी खाने में जितनी मज़ेदार बनती है, उसे बनाना भी उतना ही आसान होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 250 ग्राम फ्रेश पनीर ले लिया है और इसे क्यूब्स में कट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर बेसिक सी सीजनिंग के साथ आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच नमक ऐड कर लिया है, और साथ साथ हम इसमें आधा नींबू का रस ऐड कर लेंगे। और इसे एक चम्मच की सहायता से मिला लेंगे और 10 मिनट तक इसे सेट होने तक रख देंगे। तब तक मैंने फ्राई पैन में एक चम्मच ऑयल को गर्म कर लिया है। पनीर को मैरिनेट हुए 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें पनीर को ऐड कर देंगे और इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसमें क्रिस्पी सी कोटिंग नहीं आ जाती। यहाँ पे पनीर ने अपना पानी छोड़ दिया है और ये अच्छे से फ्राई भी हो चुका है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। दूसरी तरफ फ्राई पैन में मैंने एक चम्मच तेल को गर्म कर लिया है और इसमें हम एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को ऐड करेंगे, जिसे मैंने चंक स्टाइल में कट कर लिया था, और इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम सौते करेंगे। फ्राई की हुई शिमला मिर्च का टेस्ट कढ़ाई पनीर के अंदर बहुत ही अच्छा आता है और साथ साथ इसका कच्चापन भी चला जाता है। शिमला मिर्च हमारा फ्राई हो चुका है, इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और साथ साथ हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज को भी ऐड कर लेंगे। इसे भी मैंने चंक स्टाइल में कट कर लिया था और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए हम सौते करेंगे। प्याज हमारा सोते हो चुका है, इसे भी हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब मैंने फिर से कढ़ाई में एक चम्मच तेल को गर्म कर लिया है, इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे और 8 से 10 काली मिर्च ऐड करेंगे। मिनिमम से खड़े मसाले डालने के बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज को ऐड करेंगे, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। प्याज को हमने जब तक सोते करना है जब तक इसका कच्चापन ना चला जाए। प्याज हमारा पक चुका है, अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट को ऐड करेंगे और इसे स्पैचुला की मदद से मिला लेंगे। अब इसमें 8 से 10 हम काजू को ऐड करेंगे। काजू ऑप्शनल है दोस्तों, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें 2 रफली चॉप किए हुए मीडियम साइज़ के टमाटर को ऐड करेंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच नमक को ऐड करेंगे, जिससे हमारा टमाटर अच्छे से पक जाएगा और साथ साथ जब हम इसका प्योरे बनाएंगे तो ये फीका नहीं लगेगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। पर दोस्तों, आपको तीखा पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ग्रेवी हमारी पक चुकी है और इसे हम अब एक बाउल में निकाल लेंगे और 5 मिनट के लिए ठंडा होने तक रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में एक चम्मच तेल को गर्म कर लिया है और इसमें हम एक चम्मच बटर ऐड करेंगे। इसमें हम एक बे लीफ यानी कि तेज पत्ता ऐड करेंगे, एक छोटा सा दालचीनी टुकड़ा ऐड करेंगे और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। और जो ग्रेवी मैंने ठंडी होने के लिए रखी थी, मिक्सर ग्राइंडर में उसे पीस लिया है और उसका पेस्ट बना लिया है और इसे फटाफट से इसके अंदर ऐड कर देंगे।
अब हम इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, एक चौथाई चम्मच से भी कम हल्दी ऐड करेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे और साथ साथ आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक को आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हो। अब एक चम्मच इसके अंदर हम क्रीम को ऐड करेंगे। क्रीम ऑप्शनल है दोस्तों, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। आधा चम्मच फेनुग्रीक लीव यानी कि कसूरी मेथी को ऐड करेंगे। और इसे ढककर 1 से 2 मिनट के लिए हम ग्रेवी को पका लेंगे। ग्रेवी हमारी पक चुकी है। अब हम इसमें फ्राई की हुई शिमला मिर्च को ऐड करेंगे और साथ साथ हम इसके अंदर ऑनियन को भी ऐड कर देंगे। और इसे ढककर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए ग्रेवी हमारी पक चुकी है और इसमें कलर भी बहुत अच्छा आया हुआ है। अब हम इसके अंदर फ्राई किया हुआ पनीर ऐड कर देंगे। और धनिया के साथ इसकी गार्निशिंग कर देंगे। और इसे ढककर 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर पका लेंगे। तो कढ़ाई पनीर हमारा पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो आई एम श्योर आपको ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों खाने में कितना टेस्टी होगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों कढ़ाई पनीर बड़ा ही मज़े का बना है। अगर दोस्तों आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड टेक केयर।